श्रेया, मुझसे ये चित्र नहीं बन रहा है। अरे वंशेश, तो रो क्यों रहे हो? तो मैं क्या करूं, इतनी कोशिश कर रहा हूं, तब भी नहीं बन रहा। कोशिश करो, एक बार नहीं बनेगा तो दूसरी बार बनेगा। नहीं, मुझसे नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। लगता है तुम्हें एक कहानी सुनवानी पड़ेगी। कहानी? पर कहानी क्यों? तुम देखना, इस कहानी को सुनने के बाद तुम हंसने लगोगे। तो फिर सुनते हैं ये कहानी। कहानी आधी अधूरी। बिल्लियों की एक आदत किसी को अच्छी नहीं लगती। कौन सी आदत? अरे भाई, बिल्लू बात बात पर रोता है। पापा ने गुस्सा किया तो रोता, दोस्तों ने खेलने से मना किया तो रोता है, उसकी माँ उसकी पसंद की सब्जी ना बनाए तो रोता है, लेकिन आज बिल्लू के रोने की वजह कुछ और थी। जानते हो क्या? वो अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन का नाम है टिन्नू। उसने कहा, टिन्नू बहन, मेरे लिए तुम इस कॉपी पर चित्र बना दो। पर टिन्नू बहुत नटखट। उसने साफ साफ मना कर दिया और कहा, मेरे पास समय नहीं है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई चित्र नहीं बनाऊंगी। बस इतना सुनना था कि बिल्लू क्या करने लगा? बिल्लू फिर जोर जोर से रोने लगा। और रोते रोते खुली हुई कॉपी और पेंसिल के पास जाकर लेट गया। बिल्लू के आंसू बहते जा रहे थे और कॉपी के पन्ने गीले होते जा रहे थे। पेंसिल ने बिल्लू को रोते हुए देखा तो वो हंसने लगी। अरे ओ बिल्लू, तुम इतना क्यों रो रहे हो? देखो देखो, कॉपी के सारे पन्ने भीग गए हैं तुम्हारे आंसुओं से। और सुनो, अगर पन्ने ज्यादा गीले हो गए ना, तो जो भी चित्र तुम बनाना चाहते हो वो बनेगा नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं गीले कागज पर नहीं चलती, इसलिए रोना बंद करो। क्यों रोए जा रहे हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ओफो, पेंसिल की ये बात सुनकर तो बिल्लू और जोर जोर से रोने लगा। मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, चाहता हूँ कि सुंदर सुंदर चित्र बनाऊं, पर मुझे पता है मुझसे कुछ नहीं बन पाएगा। तभी तो मैंने अपनी बहन टिन्नू को कहा था कि मेरे लिए चित्र बना दो, पर उसने मना कर दिया। पेंसिल फिर हंसी। अरे बिल्लू, तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुमसे चित्र नहीं बनेगा? अरे एक बार कोशिश तो करके देखो। चलो, एक बार नहीं बना तो ना सही, दूसरी बार कोशिश करो। दूसरी बार भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तीसरी बार कोशिश करो। बस मेहनत करते जाओ, कोशिश करते रहो। कोशिश करते करते एक दिन तुम इतना अच्छा चित्र बनाने लगोगे कि तुम खुद सोचोगे, हाँ ये चित्र मैंने बनाया है। और हाँ, तुम्हारा चित्र तभी अच्छा बनेगा जब तुम रोगे नहीं,
क्योंकि बिल्लू रोना अच्छी बात नहीं है। अच्छा चलो एक वादा करो कि तुम कभी नहीं रोगे, और हाँ अपना काम हमेशा खुद करोगे। करो वादा, करो करो, और हंस के दिखाओ, आज से पूछो। हाँ शाबाश शाबाश। बिल्लू ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और एक एक लकीर बनाकर, यहाँ से ये इसको जोड़ता हूँ, ये इधर से इधर पेंसिल लेके जाता हूँ, और ये मैं इधर से एक एक लकीर जोड़कर बिल्लू ऊंचे नीचे पहाड़ बनाने लगा। उन पहाड़ों को देखकर जो उसने खुद बनाए थे, हंसी से उसका चेहरा खिलखिला उठा। ये मैंने बनाए हैं। हाँ मैं बना सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा तो मैं सब कर सकता हूँ। मेहनत करूंगा तो सब कर सकता हूँ। बस अब मैं मेहनत और लगन से अपना काम खुद करूंगा और कभी नहीं रोऊंगा, कभी नहीं रोऊंगा। हाँ बिल्लू की पेंसिल कैसे हंस रही थी ना? बिल्लू कुछ कुछ तुम्हारे जैसा था, हमेशा रोता रहता। कहानी तो बहुत अच्छी थी, पर इस कहानी का नाम क्या रखें? इस कहानी का नाम होना चाहिए रोते बिल्लू की पेंसिल हंसने लगी। तो वंशिस बताओ, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? कि आज के बाद कभी नहीं रोऊंगा। तो इसी बात पे हो जाए ताली। अभी आप सुन रहे थे उमंग बाल पत्रिका का ये अंश। कलाकार सुचित्रा सेन गुप्ता, ध्वनियांकन बटिलांग लिंदो, आलेख वाचन निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन गीतिका उनियाल, प्रस्तुति CIET NCERT।